आप लोग, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग इतने खूबसूरत सेटअप में आए हैं, आज पहली बार हम लोग ये चैनल पे वीडियो डालने वाले हैं दोस्तों। बहुत बड़ा सेटअप है, मैं आया हूँ और असील का है, कम्प्लीटली असील का सेटअप है। और जिन जो भी लोग हैं बिल्कुल स्किप मत करिएगा दोस्तों, नए व्यूअर्स तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सो दैट आपको ऐसे कंटेंट्स, ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर नमस्ते, हमारे आपके असील फार्म में हमें बुलाने के लिए। सर आपके असील फार्म का नाम क्या रखे हो आपने? मेरा नाम, मेरे नाम से सचिन असील फार्म्स। सचिन असील फार्म्स, हाँ। के नाम पे है, बहुत बढ़िया। सर आपके पास में कितने असील होंगे अभी? ये कम से कम 90 के ऊपर फीमेल है। अच्छा, और 30 के ऊपर मेल है। तो ऑब्वियसली चिक्स वगैरह तो सेल के लिए रहता ही होगा। हाँ, चिक्स वगैरह एनी टाइम रहते हैं, दरअसल हमारे पास बुकिंग होती है चिक्स की। अच्छा सर, बुकिंग के हिसाब से हम सेल करते हैं। तो सर ये एग्जैक्टली ये फार्म कहाँ पे सिचुएटेड है? ये खापा गुमगांव। नागपुर से कितना दूर पड़ता होगा? 35 किलोमीटर है। तो और ये थोड़ा इंटीरियर में है, पहले अपने पहला फार्म जो गए थे वो भी बड़ा ही था। हाँ। और ये कितने एकड़ में होगा? ये 5000 स्क्वायर फीट में। 5000 स्क्वायर फीट में है, और बहुत अच्छा है, आदमी अगरे सब रखे हैं लगता है आपने? यहाँ सब फैमिली रहती है, वो अच्छा देख रेख करते। तो आप कैसे, आप यहाँ भी हैंडल, घर में भी रहना, कैसे आप मैनेज करते हो इतना? हाँ, मैं सुबह 9 बजे आ जाता हूँ यहाँ पर, 9 बजे से 5-6 बजे तक यही रहता हूँ। अच्छा, कुछ इमरजेंसी रही तो फिर मुझे रात में भी यही रुकना पड़ता है। ओ की बराबर है, इमरजेंसी तो जरूरत है। हाँ। और यहाँ पे कितना अंडे का सप्लाई होता है, कितना आता है अंडा इधर? यहाँ तो अभी 15-20 अंडे रोज के असील के निकल रहे हैं। असील के ओरिजिनल प्योर? हाँ, प्योर असील। वेरी नाइस। तो अभी सर यहाँ पे अपन पहला सेक्शन है क्या इधर? हाँ, ये पहला सेक्शन है। चलिए सर दिखाइए इधर क्या क्या है आपके पास में। इसमें दरअसल 3 ब्लॉक है। अच्छा, ये पहला ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक है। हाँ। ओके, यहाँ प्ले ग्राउंड जैसा दिख रहा है थोड़ा मुझे। हाँ। बढ़िया बढ़िया। ये इधर कौन से नस्ल के सर? ये सब असील ब्रीड है। ये सारे असील ब्रीड? हाँ। है, देखिए बहुत सुंदर। और इनका एज क्या होगा सर? ये सब 2-2.5 साल की है, सारे ब्रीडिंग है। हाँ। और ये अंडे देना चालू है इनका? हाँ, सब अंडे देना चालू है। देखिए कुछ अंडे देखे, कुछ घोलन कर रही है वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे देख सकते हैं। कलर भी बड़ा सुंदर है उसका। बढ़िया, वेरी नाइस। तो इसका साइज वगैरह बहुत अच्छा है, देख सकते हैं दोस्तों। साइज में अवेलेबल है। वेरी नाइस। सर ये बड़ा मुर्गी भी आप सेल करते हैं क्या? हाँ, बड़ा मुर्गी भी सेल करते हैं। डायरेक्ट अंडे देने वाले टाइप? हाँ, डायरेक्ट अंडे देने वाले। तो ये इसका प्राइस क्या होगा सर? ये प्राइस सबका अलग अलग है, फिर भी इसका प्राइस क्या होगा? ये सामने में है, ये इसका 4000। 4000 रूपए? हाँ, 4000-5000 से ऐसे 4000 से बड़ी मुर्गियों का प्राइस रहता है। राइट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इस तरीके, ये कितना जगह होगा घूमने का इधर? ये है 1000-2000-1500 स्क्वायर फीट के कितने? 1500 नहीं होगा, 1100 ऐसा कुछ होगा। ये देखिएगा इधर भी सेटअप है आपका पूरा। हाँ, ये 800 स्क्वायर फीट जगह है। 800 का आपने अलग अलग तीन सेक्शन बनाया है। 800 के अलग अलग तीन सेक्शन है। और ये सारे फीमेल्स ही है क्या मतलब? हाँ, ये सारे फीमेल्स है। हाँ। ये देखिए बाहर भी फीमेल्स है। हाँ। और ये जानबूझ के हमने मट्टी का रखे, स्प्रिंकल सिस्टम है। राइट। ऐसा गर्मी पड़ती है तो अच्छा, ये चालू होते हैं तो ये ऑटोमेटिक उनको ठंडा कर देते हैं। वेरी नाइस, अपने आप हो जाता है। हाँ, यहाँ पेड़ भी लगा है अभी, ये थोड़ा छोटा है, बड़ा होगा तो इसकी धीरे धीरे नेचुरल होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, उनको भी छाव वगैरह मिलेगी। तो ये पीछे का क्या है, किसी और का फार्म है? नहीं नहीं, ये भी हमारा आप कहीं है। हाँ, बाकी वो कवर कर दिए जाके कुछ बिल्ली वगैरह कुछ अंदर ना आ सके। बराबर, बिल्कुल बराबर, जंगली जानवर भी हो सकते हैं। हाँ, जंगली जानवर कोई अंदर ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं दोस्तों, किन्हीं को भी लगेगा, किसी को भी लगेगा, आप बड़ी मुर्गी ले सकते हैं। और सर को डायरेक्टली कॉल करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा। ये देखिएगा इधर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है उन्होंने, ये अलग पूरा बड़ा रूम जैसा है। ये कितना स्क्वायर फीट में होगा सर? ये है पूरा शेड वगैरह है, प्रॉपर अरेंजमेंट किया है, देख सकते हैं आप, पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट है। वो मेल है कि ये 600? हाँ, वो मेल है। अच्छा, ये मेल है। हाँ, ये 600 स्क्वायर फीट है। 600? ये ब्रीडिंग मेल है क्या कि क्या? हाँ, ब्रीडर है? ब्रीडिंग नहीं है, दरअसल हमारे फार्म के पट्टे रहते हैं छोटे रहते। हाँ। हाँ। ये पट्टे थोड़ा सा जल्दी होश में आ जाए, अभी ये सेलिंग होने तक के ये ब्रीडिंग करेगा। अच्छा अच्छा। और जैसे किसी को पसंद आ जाता है वो, हाँ, तो फिर हाँ, उसको सेल कर देते, फिर दूसरा पट्टा छोड़ते। अच्छा सर, अच्छा। हाँ। सर और एक बात पूछना था, इतना मेंटेनेंस आप कर रहे हो। हाँ। दवाई पानी में क्या देते हो?
दवाई पानी का अपन एक अलग से बनाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबी लिस्ट है, लंबा लिस्ट है। फिलहाल एक मल्टीविटामिन वो सब आप देते होंगे ना, नॉर्मल दवाई कर लेंगे, चलो वो बाद में बनाएंगे। अभी फिलहाल इस बार सिर्फ शॉक कराएंगे। अभी ये देखिए आप, इसमें मट्टी है क्योंकि पहले मुझे मेरे जानवर जो है वो पूरा मट्टी खराब हो जाते थे। अच्छा सर, अच्छा सर, अभी ये मट्टी होने के कारण अभी सब प्रॉपर चीज है और सब हैप्पी है, खुश है ना। बढ़िया बढ़िया। इधर क्या है सर? यहाँ पर अंडे देती है मुर्गी। अच्छा, यहाँ अंडे देती है, इसको ऐसा कवर करके रख देते हैं। वो खुद ही जाके अंडा देती है, उधर भी देती होगी अंडा, टायर वगैरह का अच्छा सिस्टम है, बराबर दरवाजे के पीछे देती है। अच्छा अच्छा, हाइडिंग स्पेस देते हैं आप, थोड़ा छुपा के मजा आता है उनको भी, पीछे देती है। अच्छा, और इधर भी सेम वैसी है क्या, उसी टाइप में? अच्छा 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 अच्छा, अभी उधर भी जाएंगे दोस्तों अपन, अभी जा ही रहे हैं वहाँ पे, देख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है सर आपने। नागपुर का शायद बहुत बड़ा है सर आपका? नागपुर का क्या, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फार्म, महाराष्ट्र का ही सबसे बड़ा है। बाप रे, ये देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से केज वगैरह रखा है। ये ब्रीडिंग में है क्या कि ये भी बच्चे है? नहीं नहीं, ये ब्रीडिंग है, बच्चे हैं। ये देखिए, शौक करिए दोस्तों ऐसा। तो ये मेल वगैरह सेल के लिए है सर? ये सब सेल के लिए अवेलेबल। तो ये कितना केजी का होगा और क्या प्राइस है? ये कम से कम 5 केजी का होगा। हाँ, और इसका प्राइस लगभग 10,000 के करीब है, 10,000 रुपीज। और ये अपने नस्ल कौन सी है, साउथ का है क्या एग्जैक्टली? हैदराबाद वाला नस्ल है। और इसमें ये कौन सा वाला बोलते हैं, नाम क्या है इसका, ये ब्रीड का? ये मद्रासी ब्रीड है, ये मद्रास का नस्ल है, ये मद्रासी वाला है। ओके, और ये वाला सर? ये गोलकुंडा है, ये हैदराबाद के गोलकुंडा बोलते हैं। कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कलर में है, देख सकते हैं आप दोस्तों। तो सर इसका दरवाजा एक बार खोल के दिखा सकते हैं क्या? ये देखिएगा दोस्तों, ये वाला भी है, बहुत सुंदर मुर्गा है। तो इसका सर एज क्या है? इसका 2 साल होगा, बराबर एज है। तो ये ब्रीडिंग होगा आपका, प्रॉपर ब्रीडिंग का मेल है, प्रॉपर टेल वगैरह लंबा है, लॉन्ग टेल बोलते हैं क्या इसको, थोड़ा लॉन्ग टेल में है, देख सकते हैं। और ये सेल के लिए अवेलेबल है कि? सब सेल के लिए अवेलेबल, सेल के लिए अवेलेबल है। जिनको भी भाई को लग रहा है आप कॉल करिएगा दोस्तों। और इधर भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया, ये लगता है आपने ही बना लिया है ना? ये शायद बहुत इजीली बना लिया आपने शायद, और नीचे में होने के कारण सब अच्छे से खुश है। अंडे देख रहे होंगे सर आप शायद। ये देखिएगा, इस तरीके से बैठते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि जगह इतना है तो क्वांटिटी भी कम लग रहा है, कम मुर्गी लग रही है, जगह बड़ा है ना। ये देखिएगा उधर, इस तरीके से यंग है ये सेलिंग कर, ये सेलिंग अच्छा, के हिसाब से ये सब यंग है। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। तो इधर में क्या ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया है आपने, थोड़ा सा झाड़ झूड़ का, पेड़ वेड़ का अरेंजमेंट किया है, छाए के लिए, छाव के लिए, क्योंकि गर्मी अभी आने वाली है, तो उस हिसाब से अपने गर्मी का भी प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। गर्मी के लिए तो स्प्रिंकल लगे जगह जगह में, वो स्प्रिंकल। ये फीमेल हो गया सर आपके पास, अभी और क्या मेल्स है, मेल्स दिखा सकते हैं? मेल्स और बाहर है, बाहर चलिए देख लीजिए, वेरी नाइस, मेल भी दिखाएंगे आपको। इस तरीके से क्वालिटी देखिएगा दोस्तों फीमेल का। तो ये देखिए सामने ही है हमारे, क्वालिटी देखिएगा, क्वालिटी बहुत सुंदर है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं क्वालिटी। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको क्वालिटी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर, ओके, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। और ये देखिएगा, मट्टी में एंजॉय कर रहे हैं, खुले जगह में और एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए इस तरीके से। अभी एक बात बताइए सर, लोग एक्चुअली असल में ज़्यादा क्रेज है, अच्छा, तो उसका अभी एक स्मॉल सेटअप करके आप घर में भी कर सकते हैं कि? हाँ, घर में भी कर सकते हैं, सिर्फ उसका प्रॉपर आपको यानी मालूमात होना कि कैसे क्या, उसका दवाई पानी कैसे दे सकते हैं, क्या टेम्परेचर रखना पड़ता है, वेंटिलेशन सिस्टम कैसा होना, अगर मालूमात रही, दरअसल ट्रेनिंग अगर उसकी ले लिए तो घर पे भी सक्सेस कर सकते हो, कर सकते हैं। एक दो फीमेल एक मेल रख के भी होता है, वैसा भी होता है, धीरे धीरे स्टार्ट भी कर सकते हैं। हमने बहुत लोगों को वैसा सेटअप करके दिए। अच्छा, अब उनका जब बेचने का टाइम आता तो बेचने के लिए भी हेल्प करते थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, तो बहुत अच्छा है आप सपोर्ट। सर आपको कोई पूछेगा तो आप थोड़ा रेस्पॉन्स कर दीजिएगा हमारे उसको। ओके, चलिए बढ़िया। तो अभी हम मेल देखते हैं कैसे, तो और कुछ रहेगा वो भी बता दीजिए। ये तो ये जैसे यंग फीमेल का है, राइट, तो सेल करते हैं ये और हाँ, राइट राइट, मतलब और तीसरा सेक्शन है ये, है ना, वेरी नाइस। चलिए उधर चलते हैं। और ये डॉग कुछ करता नहीं है क्या? नहीं, ये डॉग बढ़िया, दोस्ती हो गई सबकी।
ये देखिएगा दोस्तों, अभी यहाँ पे सब अडल्ट है के? हाँ, ये सब अडल्ट है। अडल्ट है, अच्छा 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 ये कैसा कुछ भूसा वूसा रखा है बैठने के हिसाब से? अंडे डाला है क्या? चेक कर रहे हो शायद, डाला है क्या? चलो चलो, ये देख सकते हैं दोस्तों अंडे डाला है असील का, ब्राउन कलर में रहता है ना असील का अंडा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। चलिए तो ये आपको अभी कलेक्ट करना पड़ेगा। आप वो मटके में रखते हैं कि कैसे? मटके में रखते हैं जमा करके? नहीं नहीं, ट्रे में रखते हैं। ट्रे में रख देते हैं, बढ़िया। ये वाला क्या है, मेल है? नहीं, ये मेल है। नाइस नाइस नाइस। ये हमारे पाम का पट्टा है। पाम का ही पट्टा है। हाँ। तो ये क्या रेट में होगा सर ये वाला? ये पट्टे की जैसा अवस्था है तो ये 10,000 से सेल करते। अच्छा, अभी सेल के लिए नहीं है? अभी भी सेल कर देते उसको, जैसे कस्टमर आए वैसे उस हिसाब से, क्योंकि हाइट वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए चलिए, वेरी नाइस। चलिए सर, अभी आप बताइए, आप हमके और कौन सा बताने वाले हैं, आप बताइए जरूर। अच्छा, इधर में कुछ ऐसी जगह है ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। और ये सारे अडल्ट है? हाँ, ये सारे अडल्ट है, ये सारे ब्रीडिंग पेयर है। ये सारे ब्रीडिंग पेयर है और ये सारे पूरे अडल्ट है, देख सकते हैं दोस्तों। ये 15 फीमेल में एक मेल रहता है। अच्छा, 15 फीमेल में एक मेल? हाँ। अच्छा अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, क्वालिटी देखिए, बहुत सुंदर क्वालिटी में है। एक मिनट, जूम हो गया थोड़ा। ये देखिए क्वालिटी देखिएगा, ये सारे बड़ी फीमेल्स है, बहुत बढ़िया। ये देखिए बहुत बढ़िया, ये कलर बहुत अच्छा लगा सर। ये कौन सा कलर बोलते हैं इसको? इसको सिलेटी बोलते हैं, धुआर राखड़ा। रेयर कलर है क्या थोड़ा? हाँ। ये तो बीच में आ रहा है। चलिए, वेरी नाइस दोस्तों। यहाँ पे कुछ चिक्स है, आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। ये इंक्यूबेटर है? वेरी नाइस वेरी नाइस। ये सर कौन सा, बहुत बड़ा इंक्यूबेटर लग रहा है मुझे। ये अभी दरअसल बंद है, अभी अंडे हम इसमें भी डाल रहे हैं। अच्छा, फीमेल, फिर भी कितना कैपेसिटी वाला होगा? 1,000 अंडों का कैपेसिटी। 1,000 अंडों का है? हाँ। अच्छा, फिलहाल बंद है, आपने बंद करके रखा है? हाँ, मतलब बंद करके रखा है आपने। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। अंदर से एक बार दिखा सकते हैं क्या कैसा? एक बार दिखाइए जरा, ये इंक्यूबेटर इतना बड़ा मैंने पहली बार निकाल रहा हूँ वीडियो में। अरे बाप रे, इतना बड़ा जगह। ये ऑटोमेटिक है ना? हाँ, हिलता है ऐसा, हिलता है वो? अच्छा 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 अच्छा, बाप रे बाप, बहुत बड़ा है, आदमी घुस जाएगा इसके अंदर तो। वेरी नाइस। तो सर ये सेक्शन कौन सा है सर? ये बच्चों का सेटअप है, कंप्लीट। चिक्स वगैरह रहते? हाँ, चिक्स रहते, बाकी अभी सेल कर दिए, करके खाली दिखा। फिलहाल चिक्स वगैरह सेल हो गए? हाँ। अच्छा, ये ऐसी मेल वगैरह आपने रखा है? हाँ। ऐसी मतलब बाकी नॉर्मली ये पूरे चिक्स के लिए? हाँ, बाकी क्योंकि इतना स्पेस देना पड़ता है अपने को, है ना? हाँ। ग्रोथ अच्छा रहता है उससे। और पीछे आपने खुला रखा है थोड़ा हवा वेंटिलेशन वगैरह के लिए ना? राइट राइट राइट, बढ़िया। तो ये एरिया कौन सा? ये चिक्स के लिए? ये भी चिक्स के लिए, ये बड़े चिक्स के लिए। अच्छा, ये बड़े के लिए, वो छोटे के लिए? वन डे ओल्ड ऐसा? टू डे ओल्ड? ओ बढ़िया है, बढ़िया सेटअप है। कुछ कबूतर भी है, देख सकते हैं दोस्तों उनके पास में, बहुत अच्छे अच्छे कबूतर है। मुझे उसमें होमर भी दिख रहा है, कुछ होमर कबूतर है, फैंसी है। आपका कबूतर का भी शौक है आपको? हाँ। बढ़िया, ब्रीडिंग रूम है ये? ब्रीडिंग रूम है, वेरी नाइस वेरी नाइस। एक सेकंड, कौन अंदर आ जाते हैं? अरे वाह 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 वाह, लाजवाब। ये देख सकते हैं दोस्तों, असली चीज दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और ये सारे अपने असील के प्योर। और सर इसका प्राइस क्या होगा सर? इसका मंथ के हिसाब से प्राइस रहता है, 1 मंथ का रहता है तो 500 रुपये रहता है। अच्छा। 2 मंथ का होता है तो 700 रुपये रहता है। अच्छा, और 3 मंथ का होता है तो 1500 रुपये एक एक चीज का प्राइस रहता है। ओहो, वैसा है। हम 1 महीने में 5 वैक्सीन करते हैं। अच्छा सर। हाँ, तो इसमें क्वांटिटी कितना होगा अभी? इसमें ये 20 चिक्स है पूरे। 20 चिक्स है? हाँ। तो ये हो गए कितने महीने के बोले आपने? ये अभी 1 महीने के हो गए। तो इससे छोटे वाले अवेलेबल है क्या? हाँ, इससे छोटे वाले। वो कहाँ है? एक मिनट दोस्तों, ये देखिएगा छोटे वाले भी है। 15 दिन के? अच्छा, ये 15 डेज का है। हाँ। अच्छा, ऐसा अपना लाइट्स राइट का अरेंजमेंट किया है, ऐसा लगा के रखना। बहुत क्यूट है बच्चे, देख सकते हैं। तो ये सब 15 दिन वाले बच्चे? हाँ, ये 15 दिन के। अच्छा, और फीडिंग में आप ये बच्चों को क्या खिलाते हैं? ये गोदरेज का ही दाना है। ये गोदरेज का दाना है? कौन? हाँ। सा वो लेयर है कि क्रम है? कौन सा? नहीं नहीं, ये क्रम्स है। क्रम्स है ना, क्रम ही सक्सेस रहता है बच्चों। हाँ। को बच्चों का हेल्थ पकड़ने के लिए। और क्रम कितने का आता होगा नॉर्मली? ये अभी तो बहुत महंगा हो गया, अभी 1800 रुपये का हो गया। बराबर बराबर, क्योंकि सब मेंटेन भी करना पड़ता है। वेरी नाइस। थोड़ा सा इधर क्या है सर? ये कल बच्चे निकले हैं। अच्छा। हाँ। मतलब वन डे ओल्ड? हाँ, कल मतलब एक दिन भी होने का है? हाँ। जीरो डे, एक दिन? हाँ। भी बोलो, चलो होने का है। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ से दिखाते हैं, एक दिखाई देता हूँ ना यहाँ से मेरे सर। हाँ, दिख रहा है यहाँ से। ओके, वेरी नाइस। अच्छा,
बढ़िया। तो ये तो बच्चे सेल के लिए नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, ये सब सेल के लिए रहते हैं। सेल के लिए है। ये क्या रेट में होगा? ये 300 रुपए का एक बच्चा, 300 रुपीज का एक है, और ये है 500 रुपीज का, है ना? चलिए, वेरी नाइस, बढ़िया। चलिए दोस्तों, अभी हम वहाँ से बाहर आए हैं। इधर भी कुछ खुले जगह में भी असील के बच्चे घूम रहे हैं, कुछ मेल घूम रहा है। वो जर्मन शेफर्ड देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर जर्मन शेफर्ड है, जैसे कि आपने शुरुआत में देखा होगा। बहुत सुंदर, मुझे ही देख रहा है, घूर के देख सकते हैं आप, कब खोलूँ कि कब काटूँ, ऐसा है। बढ़िया बढ़िया। तो इधर में भी कुछ जगह है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी कुछ खुले जगह है, इधर भी कुछ स्पेस है। अंडे वहाँ रखा है लगता है, दिखाता हूँ आपको मैं, अंडे वहाँ रखे हैं सर ने, ये सब ऐसे रखे हैं। बढ़िया, ये देखिए अंडे इस तरीके से रखे हैं, देख सकते हैं। हैच करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसमें कितने अंडे रखे होंगे आपने सर? ये सबके पास, किसी के पास 13 है, किसी के पास। अच्छा, ऐसा बंद करके रख देते हैं क्या? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। और ये सभी में है क्या अभी? हाँ, सभी में। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में है, मतलब वेरी नाइस, प्रॉपरली अरेंज किया है। मतलब ये रूम बैठने का कुछ है, बैठक वाला ब्रीडिंग। और इधर कुछ कबूतर भी रखे हैं, देख सकते हैं दोस्तों आप, कबूतर का भी सेटअप है। कबूतर भी आप सेल करते हो क्या? कबूतर भी सेल करते हैं। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। एक बतख भी है, बतख एक है कि दो है आपके? नहीं, एक ही है। इसमें होमर भी है ना? कुछ होमर्स है, देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे होमर्स है, एकदम लंबे बीक के, देख सकते हैं आप। किसी को लग रहा होगा तो ये भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। देखिए ऊपर बैठा है और खुले ही रहते हैं ना सर। और ये देखिए अपना फेंटेल है, इसमें फेंटेल है, अलग अलग क्वालिटी, सिराजी भी है उसमें। बढ़िया बढ़िया, ये इसका भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। तो इसमें कितने बर्ड्स होंगे सर? ये होंगे 60-70 कुछ बर्ड्स। अच्छा, 60-70 बर्ड्स है। सिराजी भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप, क्वालिटी देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, शानदार क्वालिटी में है, देख सकते हैं मेल, देख सकते हैं। कितने मेल होंगे सर ऐसे यहाँ पे? ये टोटल है 20-25 मेल है कुछ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख सकते हैं आप। तो ये भी सेल के लिए अवेलेबल है क्या? सब सेल के लिए, सेल के लिए अवेलेबल है ना। तो ये सब मेल क्या रेट में सेल होगा सर? ये कोई 10,000 है, कोई 15,000 है, डिपेंड क्वालिटी के ऊपर, एज के ऊपर भी डिपेंड है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जिन भाइयों को भी लग रहा है दोस्तों, आप आके विजिट कर सकते हैं फार्म में और ले सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शायद यहीं पे अपन वीडियो एंड करेंगे। ये देखिए हमारा दोस्त यहाँ पे बैठा है, इसका नाम क्या रखे सर? इसका उड़ान नाम है। उड़ान, सही में उड़ान जैसा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो सर, सो थैंक यू सर हमें सेटअप में बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिल के। और होप व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। तो जिन भाइयों को भी लग रहा है तो सर से कांटेक्ट करिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सर आप भी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करिएगा, तो हो सकता है फार्म में आए, थोड़ा आने जाने में तकलीफ हो तो आप थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिएगा सर। ओके सर, चलिए बाय, वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।